ये हमारी संगठन की पहली मीटिंग है। हम सरसा के अंदर अपनी कमेटियों का विस्तार कर रहे हैं, उसके संबंध में हमने ये मीटिंग बुलाई। कुछ जिम्मेदार साथी हमने बुलाए हैं जो ब्लॉक में हमारे काम कर रहे हैं। हमने ये अभी सरसा डिस्ट्रिक्ट का हम सम्मेलन करेंगे कुछ समय बाद, उसकी तैयारी के संबंध में ये मीटिंग है। बाकी जो खेती कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उस पर भी चर्चा करनी है। इसी संबंध में आज की हमारी ये मीटिंग है। देखिए फर्क इतना है कि पहले गोरे राज करते थे, अब ये काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब उन किसानों की मौतों पर उन्हें हंसी आना, उन्हें मजाक करना, अभी उनके पास सत्ता है, अभी वो कर सकते हैं, मगर इसका जवाब जनता जरूर देगी। आप दिल्ली के अंदर जो उन्होंने कील लगाए थे, वो आने वाले समय में कील बीजेपी और इनके आरएसएस के पैरों में लाजमी तौर पर लगेंगे, क्योंकि लोगों के वो कील दिल में लग गए और पूरी दुनिया में हमारे देश की जो छवि वो ख़राब हुई है। आज़ाद देश में ऐसी घटना, ऐसे ऐसे आंदोलन को रोकने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी के लोग बुखलाए हुए हैं और सरकार सत्ता इनके पास है, पर फिर भी ये डरे हुए हैं, ये जनता के बीच में नहीं आ सकते। उनको बयानबाजी करते रहते हैं, अभी इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए हमारा मकसद कोई चौधर की लड़ाई का नहीं, हम खेती कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, और हमारा जो संगठन है किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं है। हम जो ठीक होगा वही फैसला करेंगे। आज इसमें हम फैसला करेंगे 22 वाला भी, क्योंकि कोई गैर राजनीतिक दल यदि कोई दखलंदाजी करेगा तो फिर उस हिसाब से फैसला किया जाएगा। अभी हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, मीटिंग शुरू होगी हमारी, और लाजमी तौर पर 22 वाले फैसला जरूर लेंगे। हमारा संगठन का क्या निर्णय है उस पर हम मीटिंग के बाद बता पाएंगे, मगर हमारी लड़ाई सेंटर सरकार से है, ना कि आपसी कोई मतभेद है। जो लोग आपसी मतभेद उभार रहे हैं, मेरे हिसाब से वो किसानी लहर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और टकैत साहब का प्रोग्राम कहाँ होगा, ये संयुक्त मोर्चा ही फैसला, संयुक्त मोर्चे की कमेटी में ये फैसला हुआ है और वही फैसला करेगा। ये इसे मेरा मेरे को नहीं लगता इसको कोई विवाद का केंद्र बनाना चाहिए।